हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीनूज होम फूड। आज हम बनाने वाले हैं माँ की दाल। आप इसे उड़द की दाल भी कह सकते हैं या फिर इसे काले माँ की दाल भी कहते हैं। आज इसे हम बनाएंगे बिना टमाटर के, बहुत टेस्टी बनती है। और सिर्फ एक चीज़ हम इसमें ऐसे मिलाएंगे जो इसके टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर देती है और उसको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है, बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इसे बिना टमाटर के बनाकर देखिए मेरे स्टाइल में। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, बनाते हैं माँ की दाल। इस दाल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर माँ की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें मैंने एक मुट्ठी राजमा की ऐड की है और साथ में थोड़ी सी मैंने लोबिया यानी कि रौंगी डाली है। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है इस दाल को बनाने का, लेकिन अगर आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जाएगा इसमें नमक, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे तेल। और अब हमने इसको 5 सीटी आने तक पकाना है। ज़्यादा इसको कुक नहीं करेंगे, जस्ट 5 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। और 5 सीटी आने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को गैस से उतार लिया है, तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए, आपको दाल और पानी बिल्कुल अलग लग रहे हैं। तो ऐसे ही हमने इसे पकाना है। अगर हम इसे टच करके देखते हैं, यानी कि अगर हम इसे प्रेस करके देखते हैं, तो ये सॉफ्ट तो हो गई है बट मैच नहीं हुई है। बस इतना ही हमने इसे पकाना है। जब ये दाल ऐसे कुक होती है और बाद में तड़का लगाने के बाद जब हम इसको बड़े अच्छे से पकाते हैं तो ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए एक प्याज, लंबे स्लाइसेस में मैंने इस प्याज को कट किया है, और साथ में हमें चाहिए हल्दी पाउडर। 1 चम्मच हम ले लेंगे साबुत धनिया और 1 चम्मच लेंगे साबुत जीरा। 2 ली है मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और इन्हें थोड़े से लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये लिया है मैंने हींग, हींग तो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। साथ में हम ले लेंगे 1 बड़ी इलायची और 2 लाल मिर्च। इसके साथ ही ये लिया है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट और गरम मसाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया है, और नमक ले लेंगे स्वादानुसार। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए अब इसमें छौंक लगाते हैं। छौंक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच डाल देंगे साबुत जीरा और 1 बड़ी इलायची, इसको मैंने कूट के लिया है। साथ में हम डाल देंगे 1 पिंच भर हींग और 2 इसमें जाएंगी लाल मिर्च। अब हम इन्हें फ्यू सेकेंड्स के लिए पकाएंगे, बस इतना ही। अब इसमें हम डाल देंगे 1 लंबे स्लाइसेस में कटा हुआ प्याज, और अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और साथ में हम इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, और अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से पक चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हम इसे हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और नमक। तो नमक यहाँ पर कम ही डालना है क्योंकि पहले भी हम इसमें नमक डाल चुके हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे दाल, और इसमें हम ऐड कर लेंगे पानी। तो जिस तरह की ग्रेवी आपको चाहिए, गाढ़ी या पतली, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। लेकिन हाँ, इस दाल को पकने के लिए टाइम लगता है, सो आई सजेस्ट कि आप इसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा रखें।
और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब टाइम है इसमें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने का जो इसके टेस्ट को बिल्कुल चेंज कर देगा और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर लाएगा। मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच मेथी सौंफ और इनको मैंने थोड़ा सा कूट के लिया है। दरदरा पाउडर मैंने इसका बनाया है, आप चाहें तो इसका बारीक पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। और अब हम इसे ढक्कन लगा कर पकाएंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो 10 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं, तो एक बार हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए दाल हमारी अच्छे से पक रही है, इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए दाल हमारी गाढ़ी हो गई है, 10 मिनट इसको हो गए हैं। और थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे ताकि इसमें जितना भी ये झाग दिख रहा है ना वो ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसका झाग ख़त्म होगा तो हमारी दाल बन जाएगी। और अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर का यूज़ भी किया है। तो 5 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे ताकि इसका झाग ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद दाल से सारा झाग ख़त्म हो गया है। तो अब हमारी दाल बनकर रेडी है। लास्ट में हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। तो दाल हमारी बन चुकी है, अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसे हम निकाल लेंगे एक सर्विंग बाउल में। गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये लीजिए हमारी माँ की दाल या फिर जिसे हम उड़द की दाल कहते हैं बनकर तैयार है, वो भी बिना टमाटर के। बात करते हैं इसको सर्व करने की, तो मैंने इसे एंकलू के साथ बनाया है। एंकलू के साथ ये दाल बहुत ही यम्मी लगती है, बट आप इसे राइस, चपाती या फिर नान के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है और आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।